हम लोग सिर्फ यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इस विला से बचकर रहना, जितना दूर हो सके दूर रहना इस विला से। ये मेरा पूरा ग्रुप है, यहाँ पर हर किसी का कुछ ना कुछ उनके बैग से जा चुका है। जा रहा हूँ कुछ लाने गए। अरे सच्ची पूछ रहा हूँ, क्या लाना है? कुछ कुछ खाने के लिए मीठा? पान? हाँ ठीक है पान। ओके, कुछ ऐसा बिरयानी ऐसा कुछ नहीं? नहीं। पक्का? पकाती हूँ तो क्या आप खाओ बिरयानी? नहीं ठीक है ठीक है, आज मेरा चीट डे इसके लिए। एक्चुअली चीट मील है, चीट डे नहीं, चीट मील है आज मेरा। नहीं थोड़ा थोड़ा खाएंगे ना, इसके लिए हम लोग सब लोग जा रहे हैं। क्या 10 दिन मेहनत करके 1 दिन वेस्ट? अबे वो 7 हफ्ते हो गए, 7 हफ्ते, 7 हफ्ते के बाद अब जाके मैं एक चीट मील खा रहा हूँ, बनता है मेरा। यस आज हम लोग का एक्चुअली प्लान बन गया ऐसे ही, मतलब संडे है, बैठे बैठे सबका मैसेज आया तो जा रहे हैं हम लोग कुरला। तो वहाँ हमको कलीम भी मिलेगा और मैं बासित को भी बुलाने की कोशिश करूँगा, अगर आएगा तो बहुत अच्छी बात है। कल मेरा एग्ज़ाम था और मैं, पैटविन, उदय और खुशबू चारों का एंड में नंबर था हम लोगों का। तो पहला पैटविन गया, बाहर आया, बोला बहुत कुछ पूछा। दूसरा उदय गया, बाहर आया, बहुत कुछ पूछा। अब यहाँ पे 2 सर थे, एक खड़ूस और एक बहुत अच्छा। मैं गया वो अच्छे सर के पास, उदय गया वो अच्छे सर के पास, पैटविन गया वो अच्छे सर के पास। वो बताओ नसीब किसकी खराब रही? खुशबू। और यकीन मानो प्रैक्टिकल का नाम, मतलब नाम निकाल दो, प्रैक्टिकल तो बोलो ही मत इसको, इसको ओरल बोल दो, ओरल एग्जाम था हम लोग का। मुझे तो फिर भी थोड़ा बहुत पूछा कि करके बताओ, यो करके बता, स्ट्रेचिंग वेचिंग का, बाकी तो कुछ भी नहीं, सिर्फ क्वेश्चन आंसर चल रहे थे। और खुशबू की हालत देखनी चाहिए थी, क्योंकि मैं नीचे था, मतलब मेरा नीचे हो रहा था और ऊपर के फ्लोर पे सामने दिख रहा था कि खुशबू का हो रहा है, और खुशबू का ऐसा नहीं आता, हर सवाल का जवाब नहीं आता। अरे सब पहले हम लोग मैं खुशबू की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा खुद का डाउट लग रहा है मुझे। क्योंकि तुमने घुमा फिरा के क्वेश्चन थे ना, मतलब हम खुद कंफ्यूज हो गया, यहाँ पे आता है पर निकल नहीं रहा है, मतलब क्योंकि कंफ्यूज हूँ। ये बोलूँ, अगर ये बोल दूंगा शायद गलत निकला तो वैसे भी कट जाएंगे मार्क्स, अगर कुछ और बोलूंगा तो गलत वो भी निकल जाएगा, ऐसा ही हो रहा था पूरा टाइम, कंफ्यूज थे। तो मैं, उदय, पैटविन, तो उदय और पैटविन ने थोड़ा बहुत बता दिया था जाने से पहले, तो ये पूछेंगे शायद से, तो एक्चुअली वो पढ़ लिया था मैंने, 5 मिनट गया था फटफट फटफट, तो मेरा फिलहाल अच्छा ही गया है। लेट्स सी, फिंगर क्रॉस, देखते हैं पास हुए तो पता नहीं, अगर नहीं हुए तो 2 अटेम्प्ट और है। इसके बाद में अभी हम लोग का नेक्स्ट वीक एमसीक्यू वाला एग्जाम है, मतलब ऑनलाइन एग्जाम रहेगा, वो भी 3 अटेम्प्ट मिलेंगे। अगर ये दोनों में हम लोग जब पास हो गए तब जाके ACSM का हमको एग्जाम देने मिलेगा, और उसकी फीस एक एग्जाम की 15,000 रुपये, बहुत महंगा है। 15,000 कोर्स का पैसा छोड़ के अलग से पैसा, वाह। सर्टिफिकेशन का प्राइस अलग ही होता है हमेशा, कोई भी करो। हाँ एग्जाम का अलग फीस होता है, तो अगर फेल हुआ था भाई डूब जाएंगे, इसके लिए वो जब देना है ना तो वो तो बहुत फुर्सत में देना पड़ता है, पहले ये हम लोग को क्लियर करना पड़ेगा ताकि हम लोग एलिजिबल हो जाए। हम लोग का प्रीलियम चल रहा है बेसिकली, अभी ऐसा बोल सकते, तो हॉल टिकट मिलेगा हम लोग का फाइनल एग्जाम देने के लिए, और हमारे पे 1 साल में कभी भी दे सकते। तो अभी मैं निकलता हूँ, जाता हूँ सकलिन को पिक करता हूँ, और आज मैं बताता हूँ क्या करने, अभी यहाँ नहीं बताऊंगा नहीं तो वहाँ जाके बताता हूँ। तो बस अभी सकलिन का वेट हो रहा है और शायद आ गया, आगे आया, आ गया। व्हाट्स अप ब्रो, हो गया जाके बाथरूम जाके, क्या भाई इतना क्यों गुस्सा है भाई? मैं कौन से गुस्सा होने लगा? देख कैमरा चालू हुआ तो मूठी को गया, कैमरा चालू हुआ तो मूठी को गया तेरा। अरे आमिर रानी भाई, पैसा देगा ना? नहीं नहीं, मैसेज दिखा देता हूँ भाई, रुक जा। तो हम लोग जा रहे हैं कुरला, कुरला में क्या नाम था उसका, अरेबियन लुकमा करके नाम था उसका, और वहाँ पे सारी अरेबियन डिश मिलती है, मतलब मंदी राइस है वो, और बहुत टाइम से हम लोग का मंदी राइस खाने का बहुत चस्का है, कभी ट्राई नहीं किया। तू खाया? मैं एक बार खाया और सही नहीं लगा। क्यों? सूखा सूखा था क्या? सूखा सूखा, आज वही खाएंगे फिर, सूखा सूखा। या तो एक टर्किश रेस्टोरेंट खुला वहाँ जाएंगे, नया खुला वो भी तो खुला है, नूर मोहम्मद। रेस्टोरेंट
रेस्टोरेंट है, जैसे ये देखो सामने टर्की जंक्शन है, मैंने अभी बातचीत से रिव्यू लिया, बहुत बेकार है, अच्छा नहीं है। सामने अरेबियन मंदी हाउस है, तो वहाँ हम लोग जा रहे हैं। तो हम लोग आ गए मंदी हाउस में और आज के स्पॉन्सर है शाहिद। नहीं भाई, दोस्ती पक्की, खर्चा अपना अपना, ये रूल याद रखने का। मैसेज मैसेज पे जाने का नहीं, दोस्ती पक्की, खर्चा अपना अपना, तू पे कर, मैं देता हूँ। कब दूंगा वो नहीं बताता, गूगल पे नहीं होता है, गूगल पे बंद हो गया, लाखों का उधार है उसी में। तो यहाँ पे हम लोग अभी कंफ्यूज है कि कौन सी मंदी मंगाया जाए, ग्रिल मटन मंगाया जाए और या फिर स्टीम मटन रन। तो अभी हम लोग उसमें थोड़ा सा है, छोड़ते हैं हम लोग इसके ऊपर, वेटर आएगा, वेटर बताएगा। तो इतना सारा है, क्या कर रहे तू, सिर्फ फोटो में अच्छा दिख सकता तू बस, जैसे भी दिखते अल्लाह ने बनाए, क्या कर सकते। तो तेरे लिए भेजा डाला था ना स्टोरी, वो तेरे लिए था वो, अगर तुमसे शादी करूंगी तो तुम्हारे ऐसे गंदी शक्ल के बच्चे पैदा होंगे, इसलिए नहीं करूंगी। स्टार्टर में आया है पापड़, आराम से खाओ, घर नहीं जाने, ठंडा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाँ क्या ठंडा हो जाएगा। और ये है हाँ मंदी राइस, मटन है ना, मटन मंदी राइस, साथ में शोरबा आया है। चिकन का लेग इतना बड़ा नहीं है, चिकन नहीं है बे, रहने हो, रहने का लेग इतना बड़ा नहीं है, रहने हो। साथ में आया है शोरबा, शोरबा खाने पीने के बाद में खाने का। अभी हम लोग वेट कर रहे हैं, वेट नहीं करेंगे हम लोग, कल खाना चालू कर रहे हैं। बासित आ रहा है, बासित आएगा तो खा लेगा, नहीं आया तो मैं खा लूँगा। हाँ अस्सलाम वालेकुम, आइए तुसिए, क्या नहीं रूट का नाल, रूट का नाल तो खाएगा नहीं तू, मैं पी पहले पी, वो पी ले। अरे खाना भाई, क्या मुँह का ऐसा दिख रहा है, जबरदस्त एक नंबर मटन है, फिनिश ऐसे रखते ना। उसकी एक शादी थी 6 दिसंबर या 7 दिसंबर को, अश्विन दत्त, उसमें मेरे बहुत सारे दोस्त आए थे टीसीएस वाले, और उसमें एक बंदा था भाविन ठकरार, आपने उसको देखा होगा। अब मेरा जो दोस्त है भाविन, वो गया था लोनावला, बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे कुछ, तो और उसके साथ गए थे उसके बहुत सारे दोस्त, मतलब वो लोग पूरे मिला के 20-25 लोग थे। तो होता क्या है कि जो विला में ये लोग रुके थे, जहाँ पे ये लोग पार्टी कर रहे थे, सब लोग नीचे पार्टी मनाने को गए। जब ये पार्टी मनाने को नीचे गए, केक वेक काटे, तो रूम में से सबके चोरी हो गई, और एग्जैक्टली डिटेल में क्या हो गया वो आप ये पहले वीडियो देखो। हेलो एवरीवन, हम लोग ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं, कल रात हमने इस विला में पार्टी की थी। ये वेलेंशिया विला प्रॉपर्टीज के अंडर में आता है ये विला, लोनावला से जस्ट लोनावला में एंटर होते हुए जस्ट अराउंड 7-8 किलोमीटर्स के रेंज में ये विला है। दिखने में विला बहुत ही ऑसम है, अंदर भी बहुत कुछ अच्छा है इसके अंदर। लास्ट नाइट हमारी ये पार्टी इसी विला में हुई थी, सब कुछ बहुत बढ़िया रहा, बट निकलते निकलते सभी के साथ बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस हुआ इस विला में। जब हम निकल रहे थे तो हमने जस्ट चेक किया अपने अपने बैग्स में, काफ़ी लोगों के कैश यहाँ से गायब हो चुके थे। सो, हर किसी का 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया, 5000 रुपया, मेरा पर्सनली गया है। तो ओवरऑल हम लोग के कैलकुलेशन के हिसाब से अराउंड 20-25 हज़ार हमारा इस विला में निकलने से पहले बैग से चोरी हो गए। हम सब बिज़ी रहे अपने अपने पार्टीज़ में, बट जब आज सुबह चेकआउट करते हुए रियलाइज़ हुआ किसी एक बंदे को कि उसका कैश गायब है, हमने धीरे धीरे अपना सबका बैग चेक करवाया और सभी के वॉलेट से पैसे गायब हो चुके थे। सो, हम लोग सिर्फ यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इस विला से बचकर रहना, जितना दूर हो सके दूर रहना इस विला से। ये मेरा पूरा ग्रुप है, यहाँ पर हर किसी का कुछ ना कुछ उनके बैग से जा चुका है। सो, बस यही रिक्वेस्ट है सभी से कि इस विला से जितना हो सके उतना दूर रहिएगा।
ये दिखने में काफी खूबसूरत है बट आपका एक्सपीरियंस यहाँ पर सबसे वर्स्ट हो सकता है। थैंक यू। तो ये सारी जो चीजें है ना आजकल बहुत ज्यादा चल रही है, जैसे कि उसने चोर ने भी मस्त ऐसा किया कि सबके उसमें से थोड़े थोड़े पैसे निकाले, मतलब 500 की चार नोटे तो दो गायब कर दी, दो रहने दी। जो वैलेंसिया जो भी ग्रुप है वो जब उनको कॉन्टेक्ट किया तो उन लोगों ने बोला कि आपको जो करना है आप करो, हमें अपने केयर टेकर पे बहुत ज्यादा भरोसा है। अब ये वीडियो में बताने का सीन ये है कि अगर आप कहीं भी जाते हो, रुकते हो विला में, प्लीज चेक कर लो पहले बैकग्राउंड क्या है उसका, गूगल पे रिव्यूज देख लो, सब कुछ देख लो, उसके बाद ही डिसाइड करना जाना है नहीं जाना है। और अपने पैसे बहुत सुरक्षित रखना भाई, मैं तो बोलूंगा जितना हो सके कैश कम रखो, कैश तभी निकालो जब जरूरत हो, पैसे तो ऐसे चोरी हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। और फोन का भी अपना ध्यान रखो, पास में मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है और ऐसे स्कैम होते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या स्कैम चल रहा है आजकल। जैसे कि रिसेंटली भी जो जितने भी घर पे बैठे हैं ना सबको वर्क फ्रॉम होम दिलाने का जो स्कैम चल रहा है ना कि सर आप 3,000 रुपये दे दो, सर आप 5,000 दे दो, ये आप उसमें से आपको 2,000 रिफंड मिल जाएगा, 1,000 रिफंड मिल जाएगा, बट आप कल से काम शुरू कर सकते हो, आपको हफ्ते का 10,000 रुपये मिल जाएगा, आपको इतना पेज लिखना है, ये करना है, वो करना है, और क्या अमेजोन का नाम लेके और ये सब चल रहा है, ऐसा कुछ है। एंड में क्या होता है सब कुछ हो जाता है, लैपटॉप घर पे दे देते, बाद में पैसे वैसे मिलते नहीं है, बहुत कुछ सीन होता है ऐसा। कुछ वर्क फ्रॉम होम अच्छे भी निकल जाते हैं बट कुछ ऐसे भी रहते हैं, तो प्लीज बीवेयर, तो प्लीज देखो और केयरफुल रहो कहीं भी जाने से पहले भाई, क्योंकि अपना पैसा जब जाता है ना भाई तो बहुत ज्यादा दुख होता है। तो मेरा दोस्त बहुत परेशान था, मुझे खाली इतना ही बोला कि भाई तू जितना हो सके लोगों को अवेयर कर, ये जो रिसोर्ट है खास करके इसके बारे में बता, क्योंकि हमारे साथ हुआ है तो किसी और के साथ भी हो सकता है, तो इसलिए मैंने ये डाल दिया उसके कहने पे। तो ऐसे ही सब स्कैम से बचो, और अगर आपके साथ भी कुछ हुआ है तो नीचे कमेंट करके बताओ। आपको मैं मिलता हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।